दादी बहुत चढ़ गया बाबू, तो फाइलू सब काफी ज्यादा, लेकिन भीड़ बाबा रे आज तो हालत खराब हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है 10 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग यहाँ पे इधर पिंटू सो के अभी उठे हैं लग रहा है ना, और इधर चीकू का चल रहा है मस्ती चाचू के साथ में, और ये भी आ गए हैं बाबू की स्कूल छोड़ के। हेलो दोस्तों, आना तो पड़ेगा ना, क्या करें, देख रहे हैं कि तो अभी हमें निकलना है अचानक कहीं और। हाँ दादी हंसने लग गए बेटा, दादी बाबरे माँ एकदम सीम का सब्जी बनाए हैं, कितना पसंद है, लेकिन क्या करे खाना ही नहीं है। थोड़ा सा खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बड़का थोड़ा थोड़ा कर देख रहे माँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर माँ खाना निकाल रहे हैं, दाल चावल, देखिए सीम का सब्जी, सबका पसंदीदा सीम का सब्जी है। अब है रखल है मार डाले हैं ना, डाले भी घर का सीम का क्या स्वाद है। वाह, तो अभी हम माँ और दूध पापा कहीं निकलने वाले हैं, और बाबू को छोड़ दिए हैं स्कूल, तो अब जाएंगे एक ही बार, चार लोग बाइक पे सवार नहीं हो पाएंगे। और अभी थोड़ा बहुत दिन से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, सोच रहे थे कि आज न कल कब दिखवाए कब दिखवाए, तो अभी सोचते कि माँ का भी छुट्टी है, माँ घर पे है, भी चल लेते हैं घूम कर आते हैं। और इधर देखिए ना माँ रखे हैं अमरूद, पढ़ाई लिए नहीं है तो हमको, मेरे लिए कुछ भी नहीं रहता है, कहाँ देखा बिना खर्चने का, जब खाना ही नहीं हमको तो खाना देखेंगे, तो हम देख के ना थोड़ा सा तसल्ली कर लेते हैं कि शायद हमको नहीं खाना, तो देख के तसल्ली तो कर ही सकते हैं। नहीं करना चाहिए, सब पानी आता है मुँह में, हमको नहीं पानी आता, आपको शायद आता होगा, हमको तो आता है ना, तो कहा हाँ। फिर आप... इसमें मेरा क्या गलती है, आपका आता है तो आप समझिए, हमको नहीं आता है तो हम समझ रहे हैं ना। हाँ मेरा बाबू मेरा साथ दे रहा है ना, चिको मेरा साथ दे रहा है ना बेटा, बाप रे माँ कितना सारा खाना निकाले हैं, ओ माँ बेटा साथ में और बहू किनारे दादा ऐसा बोलते हैं ना कि हम किनारे हो जाएंगे जी, तो नामी बोलने वाले थे ना कि हम भाग में, तो हम पहले बोल दिए, नहीं नहीं हम नहीं बोलने वाले थे, पहले इसलिए बोल दिए ना। गर्म गर्म इतना खा जाएंगे वहाँ सीम, लेकिन नहीं दीजिए मारे दादा, आए खाई ना, इतना कैसे कर बात किया, का है कल फास्टिंग था, दवाई खा लीजिए, चोखा लो ठीक है, तो इतना भाग में कम कर, ये बात है, थोड़ा दीजिएगा मैं, थोड़ा दीजिएगा यार, खाना पहले जरे कर, चोखा ले खेते ना, कितना खाना हां, खाना कंट्रोल ढेर हो गया पहले से मेरा, होना भी चाहिए, काम करने वाला इंसान कम खाता है। तो हमारी YouTube फैमिली आप सभी आ जाइए हमारे साथ दाल चावल सीम का सब्जी और साथ में चोखा खाने के लिए, और माँ भी नहीं खाए हैं, माँ भी साथ ही आ रहे हैं खाने के लिए, तो चलिए पहले गर्मा गर्म खा लेते हैं। अब इधर बाबू खेल रहा है चाचू के साथ, छोटे पापा के साथ खेलना शुरू कर दी, हाँ हाँ बतियाने के लिए लड़ाई हो रहा है देवर और भाभी में, तो नहीं तो वही ना बोल रहे हैं कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा, कहे गार्जियन लोग को भी लगता है कि शादी होने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है का, पहले अकेले कमाता था, अकेला आदमी खाता था, अब सबको देखना है, देखना है घर परिवार भी देखना है, हर चीज लेवल लेके चलना पड़ता है ना, बेचारा हमारे देवर जी बहुत परेशान है, शादी करवा दिए, फंसा दिए, कोई नहीं जानता है जी, क्या कीजिएगा, तो हम लोग आ गए अभी थोड़ा सा खेत में, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, धूप हल्का हल्का है, और सुबह से मौसम खराब था, धूप आ रही है जा रही है, छांव भी आ रहा है ना, तो धूप पर बड़ा मतलब कि सोन लग रहा है, उसे कुछ चक्कर में है कि कुछ मिले खाए पिए ला, अमरूद खाली मिलेगा और कुछ नहीं है, नींबू इतना बड़ा हो गया फल कहा नहीं रहा है, वो आज की नींबू है, पुराना है, हम आए थे उसी टाइम का था,
उससे बढ़िया पहले यहाँ पर शरीफा था, हम लोग का अच्छा फल दिया था। मेरा घर में भी जहाँ हैंडपंप में अमरूद था, आम था, सब कुछ था। नहीं वहीं पर ही था जी का अमरूद, जंगल बंद बंद में कट गया। नहीं नहीं और था यहाँ पर एक और था, उसमें तोता रहता था मेरा, तब का है, उसमें 2016 की बात है। तब तो हम नहीं आते। ना 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 उसमें पहले ये जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे थे ना, वहाँ पर नौकरी कर रहे थे। हाँ, ये हम लोग का हुआ है लव जॉब के लिए अप्लाई करने उसी कंपनी में हमारे होने वाले पतिदेव जी भी काम कर रहे हैं। अगर पहले मिल जाते तो, अगर बोलते तो कुमार है तो चप्पलों खाता आदमी। कहता कौन हो रहे, लाओ इधर। उसने का प्रोफाइल कुछ और था, अभी का कुछ और है। चलिए खैर, सुन ले सुन ले। हमारे सब परेशान हो जाए, घर में एक रुपया रहते पॉकेट में, सोचे ले पर तो पैसों का दस ले आओ। लोग कहते हैं कि कमाओ मजबूत उसके बाद शादी करो। उस समय तो मतलब कि नींद आओ कैसा हुआ है, चैन सब खत्म, न रात के सुकून हो न दिन के चैन। अच्छा हमको साथ जो बीता बता रहे भैया। अरे रात रात बहुत लगता है बच्चा लोग। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, इधर सासू माँ भी हो गई है रेडी, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और आप लोग ना कुछ नोटिस कर रहे हैं कि बाबा दादी घर में नहीं दिख रहे हैं, तो वो सब आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। पहले हमें निकलना है कहीं, फिर वहाँ भी जाने में लेट हो जाएगा। तो इधर टिंटू हरिन है, बंद कर दी छोटो। बाबू कहीं घूमते रहते हैं तो। दादी बोधी चढ़ गया बाबू, तो सब सब उसी बैग में डाल। हाँ सब उसी में। तो भी हम लोग जा रहे हैं, कुछ तो भी फाइनली आ चुके हैं हम हॉस्पिटल एक बार चेकअप कराने के लिए। और वहाँ भी अभी ले रहे हैं नंबर, हम कितना नंबर में देंगे नहीं पता है, और एक दिन का टाइम लगता है। इधर बाबू सो गया तो माँ इधर बैठे हुए हैं बाबू को लेके, और भी उधर जाना है तभी बस नंबर ले लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और पता नहीं कितना नंबर मिलेगा। ना आप चलिए, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा। सबको यहाँ पे कर रहे हैं इंतजार, तो फाइनली दिखवा लिए हैं यहाँ पे डॉक्टर के पास से। बहुत ज़्यादा लेट लगा, उम्मीद नहीं था कि इतना लेट होगा। कम हम सुबह में 12 बजे यहाँ पे आए थे, 11:30 बजे आए थे, और अभी देखिए कि बज गया है 5। तो बस अभी जाएंगे दवा लेंगे, और डुगू को भी, डुगू के पापा गए थे सुबह में क्योंकि उसका स्कूल भी था, लाना भी था, खुद प्रॉब्लम होता है। ये जा रहे हैं दवा लेते हैं मेडिसिन, वो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ भारी चीज खाने से भी प्रॉब्लम होता है, वही रीज़न है और कोई बात नहीं। बस अभी जाएंगे हम दवा लेंगे। और चिप्पू तो आज बहुत ज़्यादा तंग किया, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भीड़ बाबा रे आज तो हालत ख़राब हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाली झुटमुट का इतना लंबा लेट टाइम लगा। बाबू का भी दवा लेना है, हमें बाबू का भी दवा लेना है, वो भी देख के ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा दवा बेटो, अच्छी इसके लिए नहीं था। और बाबू को देखिए नहीं उठो, ये वाला दवा दे दीजिए ना, बाकी भी है, बाकी ये दवा नहीं था। इंजेक्शन दे दे, उठ गया बाबू। अयो मेरे चलते परेशान हो गया। 80 रुपये दीजिए। और लेकर फिर यहाँ से हम लोग लेना होगा ऑटो, तो फोन करते हैं उनके पास आ जाएंगे तो अच्छा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग आएंगे। हाँ
अभी हम लोग उतर गए हैं फ्रेंड्स कॉलोनी, अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी का दस तो बस यहाँ पे रुकते हैं, उनको फोन लगाते हैं अभी कहाँ है। जाने में तो एकदम लगा ही नहीं हम लोग, लेकिन आने में हमारा खराब हो गया। इंतजार की जो ऑटो का वहाँ जाके इंतजार कीजिए। चिकू का तो नींद नहीं खुल रहा है अभी यहीं पे। तो फाइनली आने के बाद ना बहुत जोरों की भूख लगी थी और अभी खाना पीना खा लिए हैं। डंगू आ गया मेरे पास बेटा, मेरा गुल्लू आ गया। मम्मा को जय कीजिए, खुश रहिए गुल्लू। नहीं 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 फिर फोन नहीं लगवा रहे हैं, खाली बोले बेटा मम्मा को जय करो, फटाक सा कर दिया। कितना खुश है देखिए ना, चाचू है तो आने के बाद ना बहुत सारे देवर लोग हैं ना, वो यहाँ भीड़ रहता है। हाँ इसको मन लगने लगा अब यहाँ पर, अच्छा लगता है। तो आने के बाद ना फिर खाना पीना खाए और दाल चावल भी खानी है। अच्छा दाल भात चोखा खाए, ये नहीं खाए क्योंकि ये घर पे कुछ खा ली खा ली थी। अभी खाए थे समोसा, खाए थे फलावड़ी, नहीं खा रही है, नहीं खाए नहीं है कुछ, सुने सिर्फ समोसा खाए हैं। अब वाइफ लोग घर पे नहीं रहे ना तो कुछ कुछ खा के इन लोग दोनों बाप बेटा लोग समय गुजार लेंगे। वैसे भी डुगू तो ऐसे कुछ खाता भी नहीं है, रोटी सुबह का था पता नहीं खिलाए कि नहीं खिलाए हमको नहीं पता। अब हो चुकी है शाम तो अभी हम लोग को फिर देखते हैं। रहेंगे ना, आप सब बोले थे कि आप सब इन लोग क्या बोलते थे कि एक दिन रूबी रही है सर आप लोग बना दी, लेकिन लोगों को पता नहीं कि हम कब से यहाँ घर जा रहे हैं। और सबका संदेह है कि क्या बोला आखिर गए हॉस्पिटल तो वो कुछ नहीं, गलती हमारी है। कभी कभी डुगू को हम उठा रहे थे जब डुगू थोड़ा सा भारी है, तो बोले हैं डॉक्टर कम से कम आपको 6 महीने या साल भर थोड़ा सा फिट मतलब शरीर को ना टाइम लगता है, तो इसलिए आप ज़्यादा भारी मत उठाइए। और ये बात खाने को तो खाने पर ध्यान दे देते हैं, और बेबी फीडिंग कराते इसकी वजह से थोड़ा सा कमजोरी वीकनेस फील हो रहा था, इसलिए मतलब ज़्यादा लगता है। तो बस और कोई रीज़न नहीं था, और उतने का पूरा दवा दिया कैल्शियम वगैरह है, कुछ खाना होना है। माँ इसे पूरा झूप रहे थे, नहीं थक जाती घर में काम मत हो जाता है ना। और फिर उसके बाद अभी जब तक थोड़ा सा पालक जा रहे हैं साग बनाएंगे, है ना, ये तो साग बनाते हैं साग, साग और ये चावल खाएंगे, है ना जी। खाइएगा अभी क्या आप घर जाइएगा? अरे भैया तो इसको इसको कैसे भेजेंगे? हाँ तो आप लोग जाइए, हम बाबू रहेंगे। ये हीरो चलना है कि रुकना है? बाय बाय डुगू, बाय बाय। चलो अच्छा देखते वहीं पर जाते हैं पापा पास, ठीक है हम जा रहे बेटा। नहीं नहीं इसको पता है बाहर जाती दौड़ बाहर ही जाएगा। तो देखिए हमेशा ही हमको ना बोलते रहते हैं, हमको पता है आप बाहर जा रहे गाड़ी बाप चलाते हैं तो बाबू आप ही के साथ जाएगा। चल दिया, नहीं गलत बात है। और आप सभी का ना ढेर सारा सवाल है मन में, देखे हैं कमेंट को तो ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। हम सोचे कि सबका सवाल जवाब हम एक बार देंगे, क्योंकि जवाब देना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। आप सबके मन का क्वेश्चन दूर नहीं होगा जब तक आप उससे रूबरू नहीं होंगे, इसलिए हम चाहते हैं अब इनका मन देखते हैं क्या होता है, इसके बाद फिर कभी ध्यान दिया जाए इस बात पे। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत मजा आया, आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।